रफ्ता हो मेरी, दिल के अरमां हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी, और हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर आफरीदी साहब। तनवीर आफरीदी साहब एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक राइटर भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो इनको हमने याद किया है कुछ चीज़ें पूछने के लिए जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, और ये मुझे इसलिए गाइड कर सकते हैं क्योंकि ही हैज़ बीन इन द फील्ड फॉर लॉन्ग। निसार बज़मी साहब इनके उस्ताद थे, जो हमारे फेवरेट हुआ करते थे और आज भी हैं। तो मैं इनसे चीज़ें पूछता हूँ। तनवीर भाई, आपको एक लिस्ट भेजी थी, वो पढ़ी नहीं जा रही। अरे यार, ये तो माशाल्लाह आपने, मैं अपनी हैंड राइटिंग डॉक्टरों के लिखाई, बल्कि मैं कह रहा हूँ वो जो है ना अपना उमराव जान के ज़माने के हकीमों की लिखाई है। देखिए, ये जो लिस्ट भेजी है ना मैंने आपको एक बार जी, ये हैं गाने। ठीक है, ठीक है। वो गाने जो सेम म्यूजिशियन के भी हैं, अलग अलग म्यूजिशियन के भी हैं, सेम म्यूजिशियन ने उनको रीयूज़ किया है। अगर हम नए से शुरू करें तो अदनान समी साहब का एक गाना था, आपकी सूरत से मिलता नूर का एक देखा है, ये जो एक गाना था उनका, ये सरगम फिल्म में उन्होंने बनाया था, जिसमें उनने बच्चों को सुलाने के लिए, ये उनके साथ दो बच्चे होते हैं और ये देखा है कौन ने, सो जा, ये कर दिया था। सो जा, रॉबिन गोश साहब, उनके तो कई गाने इस तरह के हैं, अपने ही अपनी ही इंस्पिरेशन। एक था ये गाना, आपका हुस्न जो देखा तो खुदाया। इसको था, अपने ही गाना था उनका, फिल्म जहां तुम वहां हम का, हुस्न देखा जो तुम्हारा तो खुदा याद। हुस्न देखा जो तुम्हारा तो खुदा याद आया। तो ये पहला गाना जो था ये एहसास फिल्म का था, ये भी उनकी थी। फिर एहसास फिल्म का एक और गाना, रुक जाओ अभी मत जाओ, अहमद रुईदी और शहनाज बेगम के चंद ही गाने साथ हैं, गा के सुनाइए। रुक जाओ अभी मत जाओ, दंग 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 दंग। दिल को कैसे समझाऊं, ये फिल्म किरण और कलीम है, महनाज और इखलाक अहमद वहीद मुराद साहब पे और शबनम पे पिक्चर है। इस बार गाना वो भी ऐसा ही था, मैं शोला हूं, तुम शबनम हो। रॉबिन घोष ही थे, रॉबिन घोष, किरण और कलीम, ठीक है, 1981 आई गेस। इसी तरह सबसे मशहूर जुम्मा चुम्मा दे दे जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म हम, मुगल आनंद, अमिताभ बच्चन, सुदेश भोसले। उसको कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी थी, अमिताभ बच्चन अग्निपथ की शूट के लिए मॉरिशस गए, वहाँ उन्होंने गाना सुना। उस गाने को उन्होंने सुन के उनको पसंद आया, क्लब में गए थे किसी, गाना पसंद आया, इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है ये बनना चाहिए हमारी अगली फिल्म के लिए। बप्पी लहरी को कहीं से खबर मिल गई और बप्पी ने इसी गाने को अडेप्ट करके बना दिया तम्मा तम्मा लोगे। अजीब इत्तेफाक था कि बच्चन साहब की खबर आई कि उन्होंने बप्पी लहरी से जाके कहा कि यार ये गाना तुम छोड़ दो, ये मैंने कराया था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बना लिया। थानेदार फिल्म का गाना था, तम्मा तम्मा पहले रिलीज हो गई और बाद में आया ये
हम फिल्म के अंदर जुम्मा जुम्मा दे दे, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर था? जुम्मा जुम्मा दे दे मुकाबला ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो आर्टिस्ट का भी तो साइज देखे ना, देखे अमिताभ बच्चन तो फिर अमिताभ बच्चन है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी छोटे प्यारे नहीं थे, प्यारे लक्ष्मी साहब तो लक्ष्मी प्यारे जो हैं वो तो हमारा तो उनसे एक ताल्लुक भी है जी। निसार बज़मी साहब के दोनों मेरे उस्ताद जी के बरखुरदारों में थे प्यारेलाल साहब जी, और पहली मर्तबा उनसे वायलिन का सोलो पीस जो है वो बज़मी साहब ने बजवाया था, उनके वालिद उनके दोस्त थे बज़मी साहब के। और मेरी भी प्यारेलाल से बात हुई थी एक आर्टिकल के हवाले से, तो बहुत तारीफें कर रहे थे बज़मी साहब की, बहुत ज़बरदस्त प्यारे ही हैं वो, सचमुच में प्यारे हैं वो प्यारेलाल साहब। उन्होंने खैर ये भी बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तो आपके नाशाद के लिए भी म्यूज़िक बजाई है, तो मैं उस वक्त समझा नहीं, मैंने कहा कौन से वाले नाशाद, वही जिनके बहुत सारे बच्चे थे तो वो हंसने लगे कि जी जी उन्हीं के लिए। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से, खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, दामन को फैलाऊं मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। नाशाद साहब भी मेरे दिल के करीब तरीन मौसिकारों में से एक हैं पाकिस्तान के, बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी म्यूजिक। हाँ जी बिल्कुल, बहारों फूल बरसाओ की मौसिकी देख लें आप उनकी, और दीदार की मौसिकी देख लें, और उसके बाद जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। ये बताएं, एक गाना था नाशाद साहब का हमारे, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ लेकिन क्या करें, ठीक है गाना समझ में आ गया। वो इंडिया में कॉपी हुआ आमिर खान की फिल्म में जी, उदित नारायण ने गाया था जी जी, वो थोड़ा लाउड था और थोड़ी तेज थी म्यूजिक। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, ये गाना एक इंडियन फिल्म के अंदर भी था और मैंने आपको एक दफा भेजा भी था, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और उसमें महेंद्र कपूर गा रहे थे, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमान हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, तर्स तो हमने उठाई थी। उस फिल्म का मौसिकार कौन था? वो नाम उस पर ज़रा देख लीजिएगा और अभी बल के देख लें, टटोल लें। खुदा का शुक्र करें मैंने ये सुन लिया। ये अब बताएं, ये ट्यून इंटायरली डिफरेंट है, लिरिक्स जो हैं उससे हमारा, मैं मौसीकी का आदमी हूँ तो लिरिक्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, और मुझे नहीं पता कि जीनत फिल्म के पर्दे पे या बुकलेट पे ये लिरिक्स किसके नाम से छापे गए हैं, तस्लीम फाजली साहब के नाम के छापे गए। तो ट्यून जो है नाशाद साहब की ओरिजिनल है वो, ये ट्यून बिल्कुल मुख्तलिफ है, राग मुख्तलिफ है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी, ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्यून है नाशाद साहब की। तो ट्यून नाशाद साहब ने बिल्कुल नहीं उठाई किसी की, ट्यून नाशाद साहब की ओरिजिनल है और नाशाद साहब की ट्यून इस ट्यून से बहुत बड़ी है, बाखुदा मजाक नहीं कर रहा। अच्छा तो रॉबिन गोई साहब ने जो अपनी रीयूज की है वो भी इसी तरह से कोई ना कोई डिफरेंस उनमें होगा। वो जो गाना मैंने आपको बताया कमाल अहमद साहब का जी, मेरे महबूब मेरे प्यार के काबिल तू है, मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, इसी की बात कर रहे हैं। ये रंगीला साहब ठीक है गाया है कमाल अहमद, ठीक है, जो ज़िया मुहिद्दीन पे पिक्चराइज हुआ था मेदिया संग का गाना। हाँ। मेरे महबूब मेरे
प्यार के काबिल तू है। सच तो ये है कि मेरी जान मेरा दिल तू है, मेरा महबूब ये तय हो गया सुहेब कि आप म्यूजिकल माइंडेड आदमी नहीं है बिल्कुल भी, और इस मौजू पर आइंदा कभी खबरदार अगर आपने कोई जुर्रत की आइंदा, देखिए मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, इस ट्यून में और इस ट्यून में आप लिरिक्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। आप लिरिक्स को आपस में गड़बड़ कर देते हैं। गाना वो ओरिजिनल है, वो वाला भी ओरिजिनल है और ये वाला भी ओरिजिनल है, ठीक है, इन दोनों तर्जों में कोई मुमासलत नहीं है, समझ गए मेरी बात को, दोनों यकसर मुख्तलिफ ट्यून्स हैं। तो फिर जो इंडिया में हुआ है जैसे जुम्मा जुम्मा दे दे और तम्मा तम्मा लोगे जी, एक जैसे गाने हैं वो, एडॉप्टेशन है वो, मतलब चोरी डाका है वो, उस पर मैं इस बिल्कुल खुली बात करूँगा कि वो किसी गैर मुल्की का गाना उठा लिया आपने। हमारे यहाँ भी ये होता रहा है, हमारे यहाँ कैसेट के शहजादों ने बेशुमार गाने ऐसे उठाए हैं, क्योंकि सब दोस्त हैं तो मैं अगर किसी के दो के भी नाम कोट करूँगा मेरे घर आ जाएंगे, तो मैं इसलिए ज़रा इस पर ज़ुबान पे जो है ना वो तालाबंदी करते हुए। तो जो वारिस बेग साहब का जो गाना है कल छब देखा मैंने चांद झरोके में जी, वो मोहम्मद राना पर भी पिक्चराइज हुआ है, वही गाना शान की फिल्म में भी यूज़ हुआ है। देखें ओरिजिनली ये ओरिजिनल ट्यून एम अरशद साहब की, ठीक है, ठीक है। कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में, और मुझे इस तर्ज की पैदाइश का भी पता है, और उसके बाद ये तर्ज उनसे अचानक उन्होंने आमद हुई, उन्होंने बनाई, और बनाने के बाद उन्होंने वारिस को फ़ोन किया, वारिस दोस्त हैं अरशद भाई का, तो वारिस को कहा कि वारिस एक बहुत अच्छी ट्यून बनी है, तो वारिस ने कहा यार मैं सुनते हैं, वो बैठे फौरन, तो वारिस ने कहा रिकॉर्ड करें। वारिस बहुत अच्छे दिल का इंसान है, तो उसने अरशद भाई की फौरन बात मानी और उसने ट्यून रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद वो गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद वो फिर फिल्म में चला गया। मेरा ख्याल ये है कि वो दूसरी फिल्म भी शायद कोई सेम बैनर की होगी या सेम प्रोडक्शन की होगी, या वो आपस में उन्होंने कोई किसी बार्टर या किसी डील के तहत वो गाना प्रॉपर लिखत पढ़त के साथ उन्होंने किया होगा, और क्रेडिट जो है वो मौसेकार का सेम रहा होगा, समझ गए लिरिसिस्ट। अब ये मेरे ख्याल में सागर साहब का लिखा हुआ गाना है ना, रहमान साहब, हाँ सागर साहब का लिखा हुआ शायद, तो सागर साहब का लिखा हुआ गाना है, ये दोस्तियाँ भी थी इनकी आपस में, तो वो फिर आपस में ये लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं कि यार वो फलां की फिल्म बन रही है, गाना बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है अरशद के पास, वो गाना ले लो, तो वारिस ने बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया, वो सुनते हैं गाना, अरे यार गाना तो बड़ा अच्छा है, या हो सकता है वारिस ने उससे पहले कहीं दो तीन शोज़ में फड़का दिया हो गाना टेलीविज़न के, वहाँ से वो गाना निकल पड़ा हो, तो इस तरह से वो गाना पॉपुलर हुआ। और वो एक गाना देखिए फ़र्क कहाँ पड़ता है कि एम अरशद का गाना है और कल वो किसी और फिल्म में मेरे नाम से चल रहा हो सेम, ठीक है, वो गलत है, ये गलत है, लेकिन अगर एम अरशद का गाना एम अरशद के ही नाम से चल रहा है तो फिर तो कोई गलत नहीं है। एक दौर ऐसा था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रोज़ाना 8-8, 10-10 गाने बनाने होते थे, ठीक है, डेली, वो फैक्ट्री थोड़ी है यार, रोज़ गाना आपका जहन एक तख्लीक करेगा, दो करेगा, फिर उसके बाद तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी ना, बिल्कुल। फिर जैसे नदीम शेरवन पे एक दौर आया था, एक दिन में 3-3 फिल्मों का म्यूज़िक उनको करना होता था, 1000 फिल्में प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा वांटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे नदीम शेरवन, ठीक है, 90s में, बिल्कुल। तो अब इतना काम करना है तो क्या होता था, लोग उनको अपनी तर्जें बेच देते थे, गरीब लोग जिनसे अच्छी तर्ज बन जाती थी, वो कहता था चल यार वो मतलब दो में बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो जाएगी, नदीम भाई ये ट्यून सुनो, अरे भाई बहुत अच्छी ट्यून है यार,
देव जी इनको 50,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये दे दो, जितने का गरीब आदमी बिक जाए आराम से। तो ऐसे भी ट्यूनें हायर भी होती हैं, होती थी। और बहुत सारे मौसीकार जो क्वांटिटी मीट नहीं कर सकते थे उस ज़माने में, वो ले लेते थे गाने। ये बहुत सारे मौसीकार ऐसे थे जो प्रोड्यूसरों से ज़िद नहीं करते थे। वो प्रोड्यूसर आया, एक फिल्म लेकर आ गया कि जी ये इंडियन फिल्म है भाई, ऐसे 6 गाने बना दो। ठीक है, अच्छा जी मैं ऐसे ना मिलते जुलते बना देवा, नहीं है बिल्कुल इसी तरह छापने ने। अच्छा ठीक है जी, आपने देखा होगा वो ज़फ़र रामे को अल्लाह बख्शे, उसने वो गाना बनाया था जो एक फिल्म थी जिसमें नदीम साहब होते हैं, चांद ग्रहण में एक गाना था, बड़ा मशहूर इंडियन गाना था, एज इट इज़ फिल्म में डाल दिया गया था वो गाना। तो ये बुराई होती है, ये नहीं यार वो शराब की बोतल हाथ में। हाँ ठीक है, नसीरुद्दीन शाह वहाँ पिक्चर आई हुआ नाजायज़ फिल्म के अंदर, और मैं कब थोड़ी अभी जिंदा हूँ तो पी लेने, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। हाँ तो वो गाना ज़फ़र रामे भाई की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था जी। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी भर साथ में पी लेने दो। तो ये फाउल है। अच्छा मेरा ख्याल है इससे पहले कि आप और मुझ पे डांटे मुझे, मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। और क्योंकि अगर कल को किसी चीज़ में मेरा नाम आ गया म्यूज़िक डायरेक्टर, तो आप तो मुझे गुद्दी से पकड़ लेंगे। नहीं, मुझे यकीन है कि आप आपसे ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो सिंगर को ट्यून गा के भी नहीं सुना पाएंगे कि भाई ऐसा गाओ। तो अल्लाह खैर करे, आप एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपका एक बड़ा हैवी पोर्टफोलियो है, तो आपको संजय लीला भंसाली बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में एक नामवर आदमी हैं माशाल्लाह, तो उसी को जारी रखें। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिया। चले थैंक यू, ठीक है, हाफिज़। चले भाई नींबू पानी।